अम्बाला छावनी के एसडी विद्या स्कूल में आज हरियाणा स्टेट प्राइमरी स्कूल एंड कल्चरल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 22 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने अपनी कलाकारियां दिखाकर अतिथि का मन मोह लिया। इस प्रोग्राम के अतिथि कंवर पाल गुर्जर रहे। उन्होंने झंडा फहराकर टूर्नामेंट की शुरुआत की। 22 जिलों की टीमों के द्वारा मार्च पास्ट निकाला गया। उसके बाद बच्चों ने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की। इस मौके पर कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि आज 22 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की। आजकल खेल से ही बच्चे तंदुरुस्त हो सकते हैं। हमें अपने जीवन में चाहे कुछ भी बनना है, उसके लिए सबसे पहले हमारा शरीर मजबूत होना एवं स्वस्थ रहना जरूरी है। 11 साल से छोटे बच्चे जो हैं उसमें भाग ले रहे हैं और जैसा मेरी जानकारी में है लगभग 5000 के करीब बच्चे जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं। पूरे हरियाणा के सभी जिलों से इसमें बच्चे रहे और मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि इतने छोटे बच्चे हैं और जिस प्रकार का प्रदर्शन आपने सभी ने देखा भी है, बच्चों ने जिस प्रकार का प्रदर्शन दिखाया है वो अभी तक का जो था वो बेहद खूबसूरत है और आने वाले टाइम में जब अभी आप देखेंगे जो गेम होंगे निश्चित तौर से अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों के मन में इस प्रकार की भावना होगी, खेल के प्रति उनका रुझान होगा, जहाँ उनकी सेहत के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है वो, वैसे आगे मेल मिलाप के भी लिए भी अच्छा रहेगा। मैं अपने यहाँ की आपको एक घटना सुनाता हूँ। हमारे यहाँ एक गाँव वालों ने एक कोच को बुला लिया, उसकी तनख्वाह अपने आप दे रहे थे। तो मैं देखने के लिए गया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इतना खर्च क्यों कर रहे? बोले जी हमारे तो पैसे बच जाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले ये लड़ने के नहीं, जब बड़े जाएंगे लड़ने के नहीं है ने, आगे वे पैसे वकीलों से देंगे दूसरों देंगे, इस तरह पहले ही पैसे खर्च कर दिए, कोच को ही दे दिए मैंने, तो आगे मिल के रहेंगे। तो खेल से बड़ी 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 प्रेरणा मिलती है आपस में भाईचारे की, मिल बैठ के की और मिल के काम करने की बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैं समझता हूँ उसके लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास है, अच्छे खिलाड़ी हमें मिलेंगे ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मंत्री कि खेल नीति बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि हम तो इन्होंने ही मजबूर कर दिया अच्छा करने के लिए। ये इतने अच्छे परिणाम देते हैं कि हम उत्साहित हैं बेहद, मतलब पूरा प्रदेश ही बाग बाग हो जाए, जो खेलता भी नहीं जिसका उसके संबंध भी नहीं वो भी देखता है कि भाई हमारी बेटी इतना बड़ा प्राइज लेके आई, हमारा बेटा, हर आदमी को इससे खुशी होती। तो सरकार का भी उसमें पूरा प्रयास है। पिछली बार कैबिनेट की बैठक थी तो जो खेल मंत्री है उन्होंने एक डिमांड रखी कि 5 लाख रुपए हमने एडवांस में देने चाहिए जो लोग ओलंपिक में खेलने के लिए जा रहे हैं और बाद में पैसा वापस कर देंगे। तो पूरी कैबिनेट क्या वापस क्यों कर देंगे? हम 5 लाख वैसे ही दे देंगे ना, हम 5 लाख देंगे, ये पहले प्रैक्टिस करो तैयारी करो अपनी, 5 लाख हम देंगे। और बच्चों ने फिर उसी प्रकार का दिखाया करके और उसी प्रकार के इनाम भी लेके आए। सर गुजरात जीत है, जबरदस्त जीत है। मैं समझता हूँ शायद अब तक शायद कभी हुई नहीं होगी इतनी बड़ी जीत। पिछला जो रिकॉर्ड था वो भी शायद की बार टूट जाएगा, पूरा तो परिणाम नहीं आया सामने क्या आया, तो शायद पिछला रिकॉर्ड भी की बार टूट जाएगा। निश्चित तौर से बहुत बड़ी विजय है और लगातार इतने लंबे टाइम से वहाँ बीजेपी है और जिस प्रकार से वो काम कर रही है। मैं गुजरात गया और आप भी अगर गुजरात जाओगे तो आपको लगेगा कि गुजरात बिल्कुल अलग हो रहा तरक्की। जब मैं गया तब हम 34 पे थे, कांग्रेस 31 पे थी। अब आपने कुछ देखा होगा, मुझे पता नहीं क्या है, भाजपा 26, बीजेपी पीछे आई होगी हो सकता है, मुझे पता नहीं इसके बारे में भी। मंत्री जी जोर लगता है सारे चुनाव में, पूरा ही जोर लगता है और हम 3 बार वहां हमने सफलता प्राप्त की और अब की बार ये तो कह रहे थे तो केजरीवाल तो लिख के दे रहा था ना एक चिट पे लिख के दिया उसने कि 20 सीटें आएंगी, अभी पता चल गया ना कितनी आई। उसके बावजूद भी जिस प्रकार की फाइट हमारी रही, जिस प्रकार का मुकाबला हमने दिया, तो हम नेक टू नेक फाइट में रहे, वहाँ कोई ऐसा नहीं है। और केजरीवाल जी अगले चुनाव लड़ेंगे तब पता चलेगा ना, जो इतनी बातें कही पंजाब में क्या किया वो तो बाद में पता चलेगा ना, अभी तो एक बार तो जीत गए झूठ में कह के लोगों को, लेकिन आने वाले टाइम में लोग उस प्रकार से गुमराह नहीं।